नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का यूनिट 4 का टेस्ट देखेंगे, जो कि भूगोल से संबंधित है। ठीक है, और सबसे कम समय में टेस्ट को अपन लगाएंगे। आज अपनी कोशिश ये है कि जितना कम समय में ये टेस्ट अपन दे सकते हो उतने कम समय में ये टेस्ट देखेंगे, क्योंकि इसके पहले अपन ने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दे चुके हैं 1 घंटे के। ठीक है, और आज ये अपन देखते हैं कि ये कितने कम समय में हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये आई मैग्नस का टेस्ट है। ठीक है, और अपना आज जो भूगोल से संबंधित है क्वेश्चन, तो बिना देर किए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है पूछा गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गोंडवाना लैंड का भाग है। संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है पूछा गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण का पठार का भाग है ये। नेक्स्ट है कि गोंडवाना चट्टानों के तालचेर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के किस जिले में नहीं पाया जाता है। तालचेर क्रम की चट्टान पूछी गई है। राइट आंसर इसका हो जाएगा नरसिंहपुर में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है पूछा गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तरी भाग में। नेक्स्ट है इसके बाद की सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ पे देखना है धूपगढ़, बड़वानी, बीजलगढ़ और कालीबेदी, ये पहाड़ियों का आपको बताना है कि भाई क्रम क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कूट देखना पड़ेगा इसके लिए। यहाँ कूट देखिए पहले आराम से, ठीक है, थोड़ी देर देख लीजिए, फिर इसके बाद राइट आंसर बताते हैं। अब तक आप लोगों ने देख लिया होगा तो इसका राइट आंसर बता देते हैं। तो धूपगढ़ हो जाएगा 1350, फिर बड़वानी हो जाएगा 641, फिर उसके बाद हो जाएगा बीजलगढ़ जो कि हो जाएगा 850 मीटर, और कालीबेद हो जाएगी 770 मीटर जो कि बैतूल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि 6वां नंबर क्वेश्चन, मध्य उच्च प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है पूछा है। राइट आंसर गंगा नदी बेसिन। नेक्स्ट है कि सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है, कोड भी देखने पड़ेंगे आपको। यहाँ देख लीजिए बांध और जिला दिया गया है, तो बांध और जिला देखिए और मिलान कीजिए। ठीक है, सेवन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा BADC। चीलर बांध कहाँ हो जाएगा, चीलर हो जाएगा अपना शाजापुर में, फिर उसका गोपालदास बांध हो जाएगा सीधी में, फिर उसका मादी बांध हो जाएगा सिंगरौली में, नालसेहरा बांध हो जाएगा बालाघाट में, जो कि सिर्फ इंपॉर्टेंट कौन सा है, नालसेहरा बांध, बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चीलर बांध पे पूछा जा सकता, बाकी छोड़ दीजिए उनको, ये नहीं आएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है, इतना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनता है, और जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं। एक्सेप्शनल क्वेश्चन जो 20 होते हैं वो किसी से भी नहीं बनते, जिसका तुक्का लगता है वो पास होता है, जिसका तुक्का नहीं लगता वो बाहर हो जाता है। तो अपने को जो क्वेश्चन ईजी है वो हमेशा सही होने चाहिए। ठीक है, मालवा के पठार का सबसे गर्म माह कौन सा होता है पूछा है। 8th नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसको जगह मई। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है पूछा है, उत्तर पश्चिम में पूछा है। 9th नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसको जगह अरावली की पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम, ठीक है, जो कि राजस्थान में मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट है इसके मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठार के अंतर्गत संपूर्ण राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र सम्मिलित है मध्य भारत का पठार में। 10th नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो चुका है 10.7% मध्य भारत का पठार है मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। मध्य प्रदेश के किस भौतिक भूभाग को राज्य का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश माना जाता है सेकंड पूछा गया। ठीक है, तो राइट आंसर इसको जगह नर्मदा सोन घाटी, और पहला हो जाएगा मालवा का पठार। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि नर्मदा सोन घाटी एवं अरावली पर्वत के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है वो किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य का उच्च प्रदेश, त्रिभुजाकार हो जाएगा। कोपन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र निम्न से किससे जलवायु प्रदेश का भाग है पूछा गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा CWG। नेक्स्ट के प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक थॉर्नवेट के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना 14th नंबर का, राइट आंसर हो जाएगा 3। मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है पूछा गया है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, 15th नंबर क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी भाग में, जो कि आपको पता है मंडला, ठीक है, इस टाइप के जो अपना बालाघाट ये जो जिले हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है उत्तरी भाग में गर्म ग्रीष्म ऋतु में। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना सीलू बोला जाता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब आरंभ होती है पूछा गया है, 17th। राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य अक्टूबर में शीत ऋतु स्टार्ट हो जाती है। और सूर्य का उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा, सूर्य उत्तर की ओर चला जाएगा तो क्या परिवर्तन होगा ये आपको बताना है। तापमान में वृद्धि होगी, भाई सीधी बात है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में दैनिक तापमान अंतर किस माह में सर्वाधिक होता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर इसका हो जाएगा मार्च। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, कि कुछ भी उठता क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के अंतर्गत होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है, 20 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा मावट बोला जाता है। ठीक है, मावट नहीं, मावट बोलते हैं उसको, मावट, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में मालवा पठार के अंतर्गत पाई जाने वाली जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सा असत्य हो जाएगा, डी असत्य, बाकी सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद
कहीं अगर किसी क्वेश्चन में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन निकल जाती है मुझसे बाई चांस, या फिर गलत टिक लग जाता है, तो फिर आप लोग मेंशन कर दीजिएगा सर इसका आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में डोंगला में स्थित अत्याधुनिक वेधशाला का नाम किस खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया है? 22 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा आचार्य वराहमिहिर के नाम पर रखा गया, उज्जैन की अपनी जो लैब है उसका। मध्य प्रदेश के अंतर्गत कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा असत्य है पूछक है? 23 नंबर क्वेश्चन, तो इसका ये हो जाएगा डी गलत है। यहाँ पर दक्षिण भारतीय आर्द्र मिश्रित सागवान वन पाए जाते हैं कान्हा केसरी में, ये गलत है, बाकी सभी सही हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का विस्तार मालवा के पठार के अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है? काली मिट्टी मालवा के अलावा कहाँ मिल रही है भाई? ये हो जाएगी अपने नर्मदा घाटी में मिल जाएगी आपको, ठीक है, क्योंकि काली मिट्टी के तीन टाइप होते हैं आपको पता है, तो उसमें से फिर वो तीनों टाइप में से कोई भी गहरा हो, छिछली हो, साधारण हो, कहीं भी मिल सकती है, तो मालवा के अलावा नर्मदा घाटी में मिलती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत काली मृदा का रंग काला किस कारण से होता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है और सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा लोहा और चूना की उपस्थिति के कारण। मध्य प्रदेश में लेटराइट मिट्टी का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? लेटराइट मिट्टी मिलेगी आपको छिंदवाड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में मिश्रित मृदा का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? मिश्रित मृदा पूछा गई है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बुंदेलखंड का क्षेत्र। मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है? कितने भागों में बांटा गया भाई? ये हो जाएगा अपना 6 भागों में बांटा गया मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र को। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर नदी के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है? मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी के संगम पर स्थित है बताना है, ओमकारेश्वर की स्थिति पूछी गई। 29 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और कावेरी के संगम पर ओमकारेश्वर, ये पूछा बताना था आपको। मध्य प्रदेश में उद्गमित होने वाली किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से भी जाना जाता है? 30 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है वैनगंगा और वर्धा के संगम को प्राणहिता बोला जाता है। नर्मदा नदी पर आधारित सौंदर्य की देवी नर्मदा नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर मुझे लगता है सभी को पता होना चाहिए, अमृतलाल बेगर, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, और टेलीग्राम ग्रुप में क्विज बहुत समय से चलाए जा रहे हैं, जाकर के वो देखेंगे तो आपको फायदा होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं कर रहे हो, खाली यूट्यूब देख रहे हो, तो इससे भी फायदा नहीं होना आपको। सूची का सूची दो का मिलान करना है कि भाई एक में क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क दिए गए, दूसरे में आपको क्षेत्रफल दिए गए और उसका क्षेत्रफल बताना है। 32 नंबर का क्वेश्चन, तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी तक लगाया होगा आपने तो, बी सी डी ए, अर्थात कान्हा केसरी हो जाएगा सबसे बड़ा है, जो कि 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बांधवगढ़ के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 437 वर्ग किलोमीटर, फिर उसके बाद हो जाएगा अपना पन्ना जो कि 449 वर्ग किलोमीटर, फिर उसके बाद हो जाएगा अपना पेंच हो जाएगा 449 वर्ग किलोमीटर, और पन्ना हो जाएगा अपना 542.662 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बी सी डी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है? तो सभी को पता है ताप्ती नदी को। मध्य प्रदेश की किस नदी के तट पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल का कुछ समय व्यतीत किया था पूछा गया है। 34 नंबर क्वेश्चन, ये हो जाएगा पेशुनी नदी। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में जल भूमि प्रबंधन संस्थान वाल्मीकि के बारे में बात हो रही है कि किस जिले में स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में बारना बांध कहाँ स्थित है पूछा गया, तो यह हो जाएगा रायसेन में स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आलतू फालतू क्वेश्चन में ना फंसना, ठीक। 37 नंबर क्वेश्चन कि नर्मदा नदी पर निर्मित 30 बड़े बांधों की श्रृंखला में से कौन सा बांध पहले पूर्ण हुए बांधों में से एक है? तो 30 बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, तो उसमें से कौन सा पूछा गया प्रारंभिक स्तर का, तो यह हो जाएगा बरगी बांध जो कि जबलपुर में स्थित है, ठीक है। रानी दुर्गावती के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान का प्रारंभ किया गया था भाई, 38 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर इसको जाएगा 2006 में। मध्य प्रदेश के किस जिले में मटियारी परियोजना मनाई जाती है? इंपॉर्टेंट है भाई, ये हमेशा पूछा जाता है, राइट आंसर इसको जाएगा मंडला में। मध्य प्रदेश की किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है? 40 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर इसको जाएगा अपना जोबट को बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन का गठन कब किया गया? 41 नंबर का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 2008 में किया गया। मध्य प्रदेश में राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, मध्य भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश किस जिले में सर्वाधिक वनों का विस्तार पाया जाता है? मध्य प्रदेश का भी पूछा गया। वैसे तो मध्य प्रदेश पूरे संपूर्ण राज्यों में पहले नंबर पर आता है 77,493 किलोमीटर के आसपास, लेकिन मध्य प्रदेश के जिला पूछा गया 42 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसको जाएगा बालाघाट, ठीक है। विभाजन के बाद अगर बोला जाता तो नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वनों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है भाई? कौन से है वो फॉरेस्ट?
एडेंसेस को जगह सतपुड़ा मेकल श्रेणी में, यहाँ पर हमारे यहाँ भाई बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया पाया जाएगा, जो कि आपने रचना भी सुनी होगी, सतपुड़ा के उगते अनमने जंगल, यह बताना है आपको कि किसकी रचना है। मध्य प्रदेश में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किस जिले में राज्य का प्रथम कार्बन फ्लक्स टावर लगाया गया था? 44 नंबर का क्वेश्चन, एडेंसेस को जगह बैतूल में लगाया गया था, ताबड़ी गांव में। 2018 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम मकड़ी घर स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर में, मकड़ी घर यहाँ पर लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में औषधीय पौधा हर्रा का प्रमुख स्रोत किस क्षेत्र में विद्यमान है? हर्रा भैया, हर्रा बहेड़ा, ये आपने नाम सुना होगा। 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा मेकल श्रेणी में। मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई है? 47 राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, 1984 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बार बार पढ़ लेना, बार बार सुन लेना, पीछे कर लेना थोड़ा सा वीडियो को एक बार। मध्य प्रदेश में वन संरक्षण संबंधित शहीद में अमृता देवी विष्णु पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? पूछा 48 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा 2008-09। अमृता देवी विश्नोई का संबंध राजस्थान से है, आपको पता होगा अमृता देवी विश्नोई के द्वारा जो पर्यावरण संबंधित आंदोलन चलाया गया था, मतलब कि एक राजा थे, राजा अजीत सिंह, राजस्थान में महल बनवा रहे थे, उसके लिए पेड़ काटे जा रहे थे, पेड़ काटे जा रहे थे तो ये पेड़ों से चिपक गए थे, इन्हें अपना बलिदान दे दिया। उसी के आधार पर उत्तराखंड में जो चिपको आंदोलन चला 1973 में, तो ये इनकी जो इन्होंने नेतृत्व किया था उसका, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में वो चलाया गया। फिर 1983 में आपको पता है कि अपिको आंदोलन चलाया गया रामचंद्र पांडुरंग हेगड़े के संबंध में कर्नाटक में, तो इस स्टेप से आप थोड़ा सा जानकारी थी। मध्य प्रदेश के किस जिले में 1.6 अरब पुराने वर्ष सेवाल एलगी के जीवाश्म प्राप्त हुए? भाई इतना पुराना सेवाल कहाँ मिला है? 49 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा सतना में मिला भैया। नेक्स्ट है कि सूची एक सूची दो का मूल्यांकन करना है कि एक में राष्ट्रीय पार्क और दूसरे में नदियाँ दी गई है कि कौन सी नदी कहाँ से बहती है? बहती हवा सा था वो, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 50 नंबर का डी हो जाएगा, बी सी डी ए। अर्थात क्या, कान्हा किसली की बात करेंगे तो कान्हा किसली से पेंच नदी जा रही है ऐसा बोला जा रहा है, कि जैसे कि सरासर गलत है। 50 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, सी ए डी बी, सी ए डी बी। कान्हा किसली की बात करेंगे तो कान्हा किसली में बंजर सुपर्ण नदी, फिर उसका जो जाएगा सतपुड़ा गांधी में हो जाएगा अपना तवा और देनवा। पन्ना की बात करेंगे तो पन्ना में हो जाएगा केन नदी, और पेंच की बात करेंगे तो पेंच में पेंचन नदी, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पार्क इंटरप्रिटेशन एंड एजुकेशन योजना लागू की गई है? 51 नंबर का क्वेश्चन, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है कि पशु जनगणना 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश की सर्वाधिक संख्या किस पशु की है? भाई मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु की संख्या कौन सी है? 52 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा गोवंश की, सर्वाधिक है लगभग 4 करोड़ के आसपास, शायद एग्जैक्ट बता नहीं सकते लेकिन 4 करोड़ के आसपास ही कुछ समथिंग। मध्य प्रदेश का सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? मध्य प्रदेश का पूछा गया 53 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना सरबती गेहूं, जो कि आपको पता है सीहोर के आसपास के क्षेत्र में मिलता है, ये बहुत ही अच्छा गेहूं है, आप लोग खाएंगे तो अच्छा लगेगा आपको। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME की स्थापना कब की गई थी? 54 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसको जाएगा 5 अप्रैल 2016 को, रिपीटेड क्वेश्चन है और एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेना इसको। जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? भैया जिलेटिन, इसको याद रखने की ट्रिक बताऊंगा एक शर्त पे, जबकि आप लोग लाइक करेंगे, लाइक कर दो जल्दी से, चलो ठीक है। तो जस हो जाएगा जिलेटिन और जस हो जाएगा जबलपुर, ठीक है, लाइक कर रहे बिना मत जाना, पाप लगेगा तुम लोगों को। सूची एक सूची दो का मिलान करना है भैया, यहाँ पर संस्थान दिए गए और उसके स्थापना वर्ष दिए गए। 56 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका देख लो फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा BADC, तो इसको मिलाइए फटाक से। तो मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना 1976-77 में की गई। फिर उसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, जो कि 1965 में स्थापना की गई। फिर मध्य प्रदेश वित्त निगम, जो कि इंदौर में 1955 में, और मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1961 में, ठीक। मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी पूछा गया? 57 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा 11। रट्टा मार लेना भैया, सबके सब इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सर्वोत्तम कृषि आर्थिक सर्वेक्षण कब जारी किया गया था? सबसे पहला पूछा गया, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2012 में, ठीक है। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश ने ही स्टार्ट किया इसको। जल्दी योजना का शुभारंभ निम्न में से किस जलाशय से किया गया भैया? 59 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा इंदिरा सागर जलाशय से। अंतर्राष्ट्रीय गेहूँ मक्का शोध केंद्र निम्न में से किस जिले में स्थित है, ये पूछा गया, खमरिया जबलपुर में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के किस जिले में जड़ो मृदा का विस्तार नहीं पाया जाता है? जड़ो मृदा कहाँ नहीं मिलेगी? ये नहीं मिलेगी आपको खरगोन में, बाकी जगह मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि नदियाँ जहाँ बहा के लाएगी वहीं मिलेगी। कुछ उद्योग दिए गए उसके जिले दिए गए, 62 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कोर्ट का मिलान करना पड़ेगा, मिलाओ जल्दी से,
मिला लिया होगा अब तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डी ए सी। देख लो फटाक से, बी डी मतलब कोका कोला मिलेगा भाई होशंगाबाद में, फिर उसका कहते ऑप्टिकल फाइबर मंडीदीप में मिल जाएगा जो कि जापान के सहयोग से बना। फिर उसका कहते रेलवे स्लीपर की बात करेंगे तो ये बुधनी में हो जाएगा जहाँ से शिवराज सिंह चौहान जी की सीट थी, ठीक। फिर उसके बात करेंगे छाता, छाता मिलेगा आपको महू में, ठीक है, राज्य का एकमात्र है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, 63 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसको हो जाएगा मालवा में। निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सौरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का उत्खनन हुआ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मारो स्क्रीनशॉट, इसका राइट आंसर तो बताने दो पहले, तभी तो मारोगे ना तुम लोग। नर्मदा नदी लगाओ, चलो जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ के टी एस ए, आप मारो जरा। के टी एस ए का मतलब क्यों नहीं है, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध बनाया जाएगा, इस सोलर प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, 65 का ए गलत है बाकी सभी सही है भाई। ओंकारेश्वर खरगोन जिले में मिलता है क्या, आपको सभी को पता है खंडवा में, बाकी सभी 600 मेगावाट की क्षमता है इसकी। और छोड़ो, कुछ थर्मल पावर प्लांट दिए गए और उसका स्थान दिया गया, 66 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आप कूट देखो, मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। राइट आंसर देख लिया होगा मुझे लगता है अभी तक आप लोगों ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना डी सी ए बी। तो चांदनी हो जाएगा, चांदनी बुरहानपुर में हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके झाबुआ बोलेंगे तो सिवनी में हो जाएगा, फिर उसका करेंगे अपन बेड़ती, बेड़ती तब विद्युत संयंत्र जो कि छतरपुर में हो जाएगा, और संजय की बात करेंगे तो संजय उमरिया का हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सही पुट था। भारत के विभिन्न राज्यों की जीवन रेखा के रूप में किस राजमार्ग को जाना जाता है, जीवन रेखा के रूप में किस राजमार्ग को जाना जाता है भैया, 67। तो जो जिससे ज़्यादा अपने को आना जाना करना पड़ेगा उसी को ना बोलेंगे राजकीय राजमार्ग को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 67। सूची एक सूची दो का मिलान करना है, यहाँ पर खनिज दिए गए और कुछ जिले दिए गए, तो यहाँ पर कोड देखो थोड़ा, अब देखो अब दिखेगा 68 बताइए। राइट आंसर अभी तो देख लिया होगा, इसका हो जाएगा सी ए डी बी, अर्थात हीरा मिलेगा आपको पन्ना में, ठीक है। फिर उसके स्लेट मिलेगा मंदसौर में, फिर उसका रॉक फॉस्फेट सागर में, यूरेनियम मिलेगा शहडोल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सूची एक सूची दो का मिलान करना है, खनिज और उत्पादक जिले दिए गए हैं, सेल खड़ी टंगस्टन प्लेटिनम क्वार्ट्ज 69। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना बी सी डी ए, अर्थात सिलखड़ी मिलेगा आपको जबलपुर में, फिर उसके बाद आपको टंगस्टन मिल जाएगा अपना होशंगाबाद में, प्लेटिनम मिल जाएगा रीवा में, और प्लेटिनम मिल जाएगा बैतूल में, और क्वार्ट्ज मिल जाएगा रीवा में, ठीक है, क्वार्ट्ज मिलेगा रीवा में। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश के किस जिले में केंद्र सरकार द्वारा ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का निर्माण किया गया, 70 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा छिंदवाड़ा में ये स्कूल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिलों का सही क्रम बताना है, 71 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा भाई बी, 1 2 3 4 अलीराजपुर, फिर उसके खंडवा, फिर उसके बाद हो जाएगा अपना झाबुआ बड़वानी, ये इसके साक्षरता दर वाला क्रम है, ठीक है सही। मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति की स्थिति को घोषित की गई थी, 72 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर 11 मई 2000 को की गई थी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र किस जिले में अवस्थित है या स्थित है, जो भी बोलना है आपको, राइट आंसर इसका हो जाएगा शहडोल में। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान भरवेली मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, 74 राइट आंसर बालाघाट, बहुत इंपॉर्टेंट है, खुली माइन है ये। मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में टीन का उत्पादन किया जाता है, यह हमारे यहाँ मिलेगा टीन बैतूल में, ठीक है, कहाँ मिलेगा लेकिन हमको ही नहीं पता। नेक्स्ट है इसके जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न जिलों को अवरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, इसका कोड तो नहीं दिया है इन लोगों ने, 70 यहाँ कोड तो है, तो 76 का कोड इधर देख लो थोड़ा सा, फिर बताते हैं राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात क्या है 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ मिलाओ 1 2 3 4 का मतलब तो फिर वही हो गया ना क्रम, एक इंदौर, फिर जबलपुर, फिर सागर, भोपाल, ये मध्य प्रदेश के जिलों का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है, सर्वाधिक से कम की ओर जाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में शीशे के भंडार पाए जाते हैं भैया, बहुत इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, दतिया हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश के किस जिले के अभ्रक खनिज की प्राप्ति होती है, अभ्रक कहाँ मिलेगा मध्य प्रदेश में पता है, नहीं पता कोई बात नहीं, बालाघाट में मिलेगा। वुल्फ्राम किसका खनिज आया, इसका वुल्फ्राम किससे मिलता है, किससे होगा इसका संबंध, इसका संबंध होगा टंगस्टन से। मध्य प्रदेश के राज्य ऊर्जा विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, पूछा गया 80 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर 1982 में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में किस ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है, राइट आंसर पेंच हो जाएगा, जो कि आपने सुना भी होगा पेंच नदी यहीं पर मिल जाएगी आपको। मध्य प्रदेश के किस जिले में सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, ठीक है,
थर्मल पावर प्रोजेक्ट से एडवांस वर्जन होता है ये, यूएसए की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो 82 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा सिंगरौली नेस्टेक गार्डर वाला सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये भी यूएसए की टेक्निक है, ठीक है। कुछ कौन सी नदी से इसको जल मिलेगा भैया 83 से, राइट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सक्कर नदी, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना के रूप में चंबल नदी का कौन सा बांध निर्मित है, 84 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा राइट आंसर, इसको बता दो जल्दी से राइट आंसर इसको हो जाएगा अपना गांधी सागर परियोजना। मध्य प्रदेश के किस जिले में चिंकी परियोजना स्थित है, चिंकी चिंकी कहाँ पर मिलेगी, नरसिंहपुर में। मध्य प्रदेश के किस जिले को मिर्च उत्पादन के जिले के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की संभावना बन सकती है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा खरगोन में, खरगोन की मिर्च को जी आई टैग भी मिल चुका है या मिलने वाला है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न जिलों को जनघनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, जल घनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम में बताना है 87। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ए, अर्थात यहाँ पे देख लो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले भोपाल होगा, फिर उसके इंदौर हो जाएगा, फिर उसके बाद अपना हो जाएगा जबलपुर, फिर हो जाएगा ग्वालियर, ये इसके जनघनत्व 855 भोपाल का हो जाएगा, उस हिसाब से आप सबसे पहले ढूंढ सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है भाई, 88 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना। मध्य प्रदेश में से बेलों की कौन सी प्रजाति मध्य प्रदेश की स्थानीय प्रजाति नहीं है, पूछा बेलों की, बेल बेल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मुर्रा 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 भैंस होती है ना कि बेल होती है। किस माह में आकाश स्वच्छ होता है और तापमान में हल्की सी वृद्धि होती है, जिसे द्वितीय समर सेकेंड समर के नाम से जाना जाता है, 90 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर उसको हो जाएगा सितंबर अक्टूबर, या फिर इसको बोल सकते हैं क्वार की उमस, क्वार की उमस, क्वार की उमस भी बोला जाता है इसको, क्वार की उमस। मध्य प्रदेश के न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 3 जिले बताने हैं आपको, तो इसको टाइम लगेगा आपको, देख लो अच्छे से। तो राइट आंसर इसका बता देते हैं फिर अपन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अभी क्या हो जाएगा, अनूपपुर बैतूल छिंदवाड़ा, जो कि पूछा जा चुका है। किस वनों में वृक्षों के साथ पशुचारण पर पूर्ण रोक है, कौन से ऐसे वन है जहाँ पर पशुचारण के साथ अन्य गतिविधियों पर रोक है, आरक्षित वन में भैया यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, कुछ करोगे ना तो जेल हो जाएगी सीधे। बिलावा किस वस्तु को बनाने में उपयोग में आता है, बिलावा 93 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, स्याही और पेंट, और फिर जब जेल हो जाएगी तो जो खाना पीना है सारा एक ही लोटे में और एक ही थाली में होता है भैया। वन पालों और वन रक्षकों को स्थानीय वन विद्यालयों में प्रशिक्षण दिया जाता है, इनमें से कहाँ नहीं है, 94 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर इसको जगह बोलता है मनी, ये बाकी सभी जो हो जाएगा लखनाथौन सिवनी शिवपुरी सॉरी अमरकंटक। 15वीं जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में, 95 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा अलीराजपुर, ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। मध्य प्रदेश के कितने जिलों को का लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ये तो आपको काउंट करना था और ये किया भी होगा, कई लोग टैलेंटेड ये सब पहले से आगे से जाके कर लेते हैं, 4 जिले हो जाएंगे। सोनागिरी के जैन मंदिर किस पठार के अंतर्गत आते हैं, सोनागिरी के जैन मंदिर का पठार ये मतलब पूछा गया, तो राइट आंसर बुंदेलखंड का पठार जो कि दतिया में आपको मिल जाएगा, ठीक है, 97 का बी हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी दक्षिण से आकर नदी में मिलती है, तो कौन सी हो जाएगी, 98 नंबर का डी हो जाएगा, सोन नदी है, ठीक है, गंगा नदी मिल जाती जो कि पटना में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा निम्न में से मृदा का निर्माण बेसाल चट्टानों से हुआ, 99 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर उसको जो है काली मिट्टी। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, वन संस्थान और जिला, रात के 12 बजे रिकॉर्ड करो चाहे 1 बजे रिकॉर्ड करो, समस्या रहेगी जीवन भर, शोर शराबा दुनिया भर का। राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, वन संस्थान में सूची दिया गया, जिला दिया गया, तो उसमें आप यहाँ पर मिलान करो, देख लो एक बार। राइट आंसर इसको हो जाएगा बी, अर्थात बी सी डी है, तो उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में हो जाएगा, सभी को पता है। राजीव गांधी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान के बारे में बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा सी, सिवनी में। फिर उसके बाद हो जाएगा अपना इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो कि छिंदवाड़ा में है, ठीक है, जो कि यह आधा नाम से पूछा जाता है, मानव संसाधन विकास संस्थान कहाँ स्थित है, आधा नाम से पूछा जाता है, तो छिंदवाड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो कि भोपाल में स्थित है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया, ऐसे ही तरीके से अगर वीडियो खत्म करना तो बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।